ओम शांति। आज का वरदान है सुख स्वरूप बन। हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। चिंतन करेंगे, मैं आत्मा मास्टर सुखदाता हूँ। संगम पर शिव बाबा ने मुझे सर्व आत्माओं को सुख देने के लिए अवतरित किया है। मैं आत्मा मास्टर सुखदाता अपने मन से, वचन से और कर्म से सबको सुख देने वाली हूँ। मेरा एक एक संकल्प सभी आत्माओं के प्रति स्नेह का, सहयोग का और क्षमा भाव का रहता है। कोई भी आत्मा हो, चाहे मुझे गाली देने वाली हो, अपमान करने वाली हो, तब भी मेरे मन के अंदर उनके प्रति अशुभ भाव नहीं आता। मेरे बोल भी सर्वात्माओं के लिए सुखदायी हैं। और मेरे कर्म भी सब के लिए प्रेरणादायी हैं। अपने आप को चेक करें कि सचमुच मैं आत्मा मास्टर सुखदाता कहां तक बनी हूं। चेक करें जिनके भी प्रति मेरे मन में हलचल हो जाती है, नेगेटिव संकल्प या वेस्ट आ जाते हैं, उन आत्माओं को सामने मर्ज करें और एक तरफ बाप दादा को मर्ज करें। और सभी आत्माओं को दिल से दुआएं दें, बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाएं, महसूस करें बाप दादा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में पड़ रही हैं और मुझसे होकर इन सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं जिनके प्रति मेरे मन में हलचल आती है, उलझन आती है।
संकल्प चलते हैं। तो विजन बनाएं, बाबा से शक्तिशाली किरणें आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं और मैं आत्माओं को दे रही हूं। इन आत्माओं ने जो भी कुछ मेरे साथ किया है, जिसके कारण मेरी स्थिति हलचल में आती है, मैं उन बातों के लिए इनको माफ कर रही हूं। हे आत्माओं, मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ दुआएं ही दुआएं हैं। आपका जीवन सदा सुख से भरा रहे। और अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो, आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। मीठे प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपके सन्मुख भी जाने अनजाने में किए हुए कोई भी ऐसे कर्म के लिए जो मुझसे हुआ हो और आपको अच्छा ना लगा हो, दिल से माफी मांगती हूँ। बाबा अपनी शक्तिशाली किरणें मुझ पर डालते जा रहे हैं और मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया, सुख से भर गया। और ये सभी आत्माएं भी सुख स्वरूपा बन गई। शुक्रिया बाप दादा जी, शुक्रिया। ओम शांति।